नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ ऐसी बातें लेकर जिनके हल हम जानना चाहते हैं। कुछ मुश्किलें जो होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं, ऐसा बार बार होता ही क्यों है, ये जानने के लिए, इसकी जड़ तक जानने के लिए हम जो हैं ये एपिसोड स्पेशल प्लान कर रहे हैं। एपिसोड प्लान करने के पीछे, बातचीत करने के पीछे, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के उपाय देने के पीछे उनकी फ़ीस नहीं होती, आपकी फ़िक्र होती है। फीस मायने नहीं रखती, आपकी फ़िक्र जो है वो ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जेन्युइन तरीके से एकदम जो है सटीक उपाय देंगे आपको, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर कहीं मिस कर जाएँ तो आप यूट्यूब पर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का एपिसोड जो है, मैंने बोला कि स्पेशल प्लान किया हुआ एपिसोड है। एपिसोड ऐसे प्लान किया हुआ है कि आजकल जो है डिवोर्स की रेशो जो है वो बहुत बढ़ गई है, तलाक की रेशो बढ़ चुकी है। कई बार हस्बैंड वाइफ में तलाक इस वजह से हो जाता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा भी होता है। कई बार तलाक जो है घर वालों की प्रॉब्लम की वजह से भी हो जाता है। क्या ऐसा कुंडली में योग होता है तलाक होने का, तब तलाक होता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि ग्रह तो कुछ मैटर नहीं करते, 9 ग्रह 12 राशि कुछ नहीं होता, ऐसा ब्राह्मण में ग्रह चलते आ रहे हैं, चलो होता रहता है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। अगर आपके ग्रह होते हैं, दशा महादशा खराब होती है कहीं ना कहीं, तभी ऐसा होता है। ऐसा हमारे प्रोफेसर गुरदीप साहब क्या दुनिया के सारे ज्योतिषी हैं वो भी बोलते हैं, लेकिन प्रोफेसर गुरदीप साहब जो है प्रैक्टिकल इंसान है, हर चीज़ का जो है आपको साइंटिफिक तरीके से आधार बताते हैं, हर चीज़ जो है साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। आज जो है वो कुंडली के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कुंडली में डिवोर्स की रेशो जो है वो इतनी क्यों बढ़ गई है। ऐसे कई एपिसोड कर चुके हैं प्रोफेसर साहब डिवोर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के हैं जज, उन्होंने भी साबित कर दिया है कि 18 से लेकर 25 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनके ही डिवोर्स केसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों है, क्यों 18 और 25 साल की उम्र में बच्चों को समझ नहीं होती या उनको रिश्ते बनाने नहीं आते, तो ऐसी हम बहुत सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं डिवोर्स केसेस के ऊपर। ऐसे आपने बहुत सारे एपिसोड जो हैं कर चुके हैं डिवोर्स के ऊपर कि तलाक की रेशो क्यों बढ़ चुकी हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये बयान दिए हैं कि 18 से 25 साल की उम्र में के जो बच्चे हैं वो ही, उनकी ही तलाक की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या उनको रिश्ते निभाने नहीं आते, या फिर शक के बिना पर वो रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, या उनमें पेशेंस की कमी है, या कुंडली में ऐसा योग होता है तभी रिश्ते ख़राब होते हैं? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, आज आपने बात की डिवोर्स की। जी प्रोफेसर साहब, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? मैंने डिवोर्स का नाम लिया और आप हंसने लगे, ये तो बहुत ही कह सकते हैं ना गंभीर मुद्दा है डिवोर्स का, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपने जो एज बताई ना 18 से लेकर 25 के बीच में, मैं हंसा क्यों, मेरे माइंड में सबसे पहले आया गुरु जी। गुरु की जो एज होती है 16 से लेकर 22 साल तक होती जी, है बिल्कुल। तब सबसे पहले तो तब मैं हंसा, मैंने कहा गुरु वाकई में, मैंने तो सब पहले ही बोलता हूँ कि गुरु की जो महादशा आती है वो खराब होती है, खराब होती है जी। फिर उसके बाद माइंड में आया सूर्यदेव, क्योंकि 22 साल जो उम्र होती है सूर्य की होती है, अग्नि आ जाती है, अग्नि आ जाती है जी। फिर मैं उसके बाद आया चंद्र, 23, 24 और 25 साल था, ये आ गया मन चंचलता देता जी। मैं इसलिए हंसा कि तीनों सालों की जो तीन साल जो उसके, 2 साल उसके, या ये जो उम्र है ये उम्र ही बेचारी खराब है, देव जाति की उम्र है जी। और राक्षस जाति आपको पता ही है, जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो शुक्र ग्रह क्रिएट करते हैं जी, तो शुक्र ग्रह जो आता है वो राक्षस जाति का है जी। तो जो एज चलती है वो देव जातों की वालों की, तभी मैं हंसा, तभी एंटी ग्रह हो जाते हैं ना मैं हंसा इसलिए था जी। प्रोफेसर जो हमारे पुराने बुजुर्ग हुआ करते थे वो भी 16-17 साल की एज में बच्चों की शादी कर देते थे, क्या वो लोग या वो बच्चे ऐसा थोड़ा ना होता था कि साल की उम्र में जी, 16 साल की उम्र में जी, हमारी अगर नानी दादी की कहें तो इतनी एज में शादी हो चुकी थी, हो जाती तो आज की डेट में वो नाबालिग हैं, मतलब ऐसे 18 साल से नीचे नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले बुजुर्ग कर देते थे, लेकिन उनकी रेशो भी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन आज की रेशो जो है वो 18 से 25 साल की एज में वो रेशो बढ़ चुकी है डिवोर्स की।
शेफाली जी, देश काल परिस्थिति भी यहाँ पे हम देखेंगे जी, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष का सबसे पहला सिद्धांत है देश काल परिस्थिति जरूर देखनी चाहिए जी। ये नहीं कि आप पहाड़ों पे रहते हों जी, तो उसका कुछ और है जी, क्योंकि वहाँ पे चलना पड़ता है इंसान को ज़्यादा। आप रेतले रेगिस्तान में रहते हो तो वहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, गर्मी होती है, उसका प्रभाव कुछ अलग है। इसलिए हम देश काल परिस्थिति देखेंगे, वो किस परिस्थिति में रह रहा है, किस देश में रह रहा है, देश का कौन सा काल चल रहा है। इसलिए चलो बातों बातों में बात आई तो फिर पहले पूरी कर देता हूँ। शेफाली जी ने बोला पहले भी जो कम हुआ करते थे तो पहले संस्कार भी हुआ करते थे, पहले हमारे संस्कार भी साथ चलते थे, हमारे बुज़ुर्गों के संस्कार, जो कि पहले सिखाया जाता था, जो तू ससुराल जा रही है कभी नहीं बोलना, तेरा पिता बहुत गरीब है, वो तेरे को संभाल नहीं सकता, तेरी इतनी बहनें हैं, सबका उतारा करना है। वो मजबूरी हो जाती थी लड़कियों की वहाँ पे रहने की, वो बेचारी चाहे कुछ भी करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने यहीं पे रहना, यही मेरा घर है, उसको सिखाया जाता था। वो अपने घर को, वो फिर ससुराल का घर अपना लेती थी, अपना घर वो बनाती थी, तो वही घर की हेड बनती थी। देखिए ना, जिसने घर को अपनाया वही घर का हेड बना। तो पहले संस्कार भी कोई चीज़ हुआ करते थे, आजकल संस्कार लोग भूल चुके हैं। तो सबसे पहले जब भी मेरे पास लड़की आती तो शादी के लिए मैं बोलता हूँ, आप सबसे पहले एक काम आपने करना है, आप जिस घर में जा रही हो, ये मेरी लाइन जो मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया की लड़कियाँ सुने जिसकी शादी होने वाली है, आप जिस घर में जा रहे हो मैं सबको यही बोलता हूँ, एक साल के लिए भूल जाओ कि मैं अपनी मर्जी करनी है। जो सास बोलेगी अरे दोपहर को अंधेरा हो गया बेटा सो जा, तो आपने सो जाना, ओके। अगर आपको आवाज़ लगाए ओके आई मम्मी जी, यानी कि भागे चले। 365 दिन आपने अपने ससुराल के नाम कर देने। वो बोले यहाँ नहीं जाना ठीक है जी, वहाँ जाना ठीक है जी, हमारे साथ जाना ओके जी, यहाँ नहीं करना ठीक है जी, आपको बुखार नहीं है, उनका चाहे बुखार है नहीं है। 365 दिन पहले साल आपने अपने दे देने। 366वें दिन आप मंजी पे बैठ जाओगे, बोलोगे मम्मा मैं नहीं जाना, उस आपकी सास भागी चली आएगी, क्या हुआ पुत्र क्यों नहीं जाना, कोई बात नहीं आप आराम करो। पता कैसे होगा, क्या होगा ये करिश्मा कैसे होगा मैं बताता हूँ। जब आप पहले 2-3 महीने ऐसे करोगे तो जो बात है ना आग की तरह फैलती है, जो रिश्ते नाते आएंगे सभी आएंगे, उसकी तो बहू बहुत अच्छी है, जवाब ही नहीं देती, वो जो बोल देती है कहती है करना है करना है, दिन है दिन है, रात है रात है। तो सभी मोहल्ले वाले, सभी गांव वाले, सभी आपके ससुराल मायके सभी बोलेंगे वो बहुत अच्छी है। तो जुबान पे सरस्वती माता किसी के ऊपर तो आएगी ना, आप पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छी बन जाओगी पूरे खानदान में, चाहे आप अपनी मर्जी करो, फिर गलत भी करो, नहीं मम्मी मैंने नहीं काम करा रोटी आप बना दो, आपके साथ बोले कोई बात नहीं बेटा मैं बना दूंगी, आपके साथ 3 दिन बनाएंगे, चौथे दिन फिर आप बनाने शुरू कर दोगे, नहीं नहीं, क्योंकि आप अच्छी बन चुके हो। उस अगर आप ऐसा करते हो तो मैं लिख के देता हूं, कभी भी जिंदगी में आपका घर नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने सरस्वती माता उनके जैसे कहते हैं ना, कभी भी जिंदगी में एक बातों बातों में यह बात आई तो फिर मैं कहानी फिर वो सुना दूँ, गाथा कहानी तो हो ही जाती है। एक इंसान था, वो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता, पहले ना इंसान मेहनत करते थे, पहले हल बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, पहले छोटा सा रंदा हुआ करता था, मेरे जो जट भाई है वो जानेंगे, वो रंदा छोटा सा होता था, उससे खुद ही करते थे, उससे छोटी छोटी खेती करते थे ऐसे बैठ के, जो पहले ज़माने की। तो एक बैल हुआ करता था, बैल में लकड़ी का लगाया जाता था एक हल छोटा सा बैल में, तो बैल चलता था पीछे पीछे, तो लकड़ी का हल पीछे पीछे एक एक हल हुआ था, तो उससे गोडी से एक रंदा होता था, रंदे से ऐसे वो बैठ रहा था मजबूरी, उसने गुस्से से आके मिट्टी चोर जोर से पढ़ने शुरू कर दी, कहता क्या भोलेनाथ, वो भोलेनाथ का भगत था बहुत बड़ा, क्या भोलेनाथ क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे करूं, मिट्टी से मिट्टी हो रहा हूं, कुछ मेरे घर में पैसे नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चे मेरे मैं पढ़ा नहीं पा रहा, क्या करूं, इस रंदे को तो भगवान करे ये रंदा ही सोने का बन जाए। भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहते क्या है, तो कहते मेरा रंदा सोने का बना दो, कहता 24 घंटे तू लगातार बोल तेरा रंदा सोने का हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे में अगर तुमने कुछ और बोल दिया कहीं वो ना हो, वो सरस्वती माता जुबान पे तेरे कुछ और खिला दे, इसलिए आज से मैं वरदान देता हूँ, भोले शंकर ने वरदान दे दिया पूरी दुनिया को, जितनी भी पूरी दुनिया के ब्रह्मा के लोग हैं, ब्रह्म लोग क्योंकि ब्रह्मा आप हमारे भीतर है, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं
24 घंटे में एक बात उसकी पूरी हो गई, जा तथास्तु बोल के वो तो भोले शंकर चले गए, वो तो बोले यार, उन्होंने तो बोल दिया। तो गलत फ़ायदा भी उठाने वाले कुछ लोग हैं, तो वो जट था, उसने क्या किया, कहता वाह भोले शंकर तेरी नहीं बहुत कृपा है। उसने क्या किया, रंधा का मेहर रंधा मेरा सोने का बन जा, सोने का बन जा, सोने का बन जा, सोने का बन जा, उसने बोलना शुरू कर दिया, भूखे प्यासे बैठे ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। जब 23 घंटे 59 मिनट हुए तो उसने बोला अरे भाई सोने का नहीं बनता तो मिट्टी का ही बन जा, वो मिट्टी का बन गया लास्ट एक सेकंड के बाद। इसीलिए जो जुबान होती है ना, जो भोले शंकर ने हमें वरदान दिया हुआ है, पूरी दुनिया के कायनात में जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, 24 घंटे में एक बात पूरी जरूर होती है। क्या पता आपका खानदान, आपका परिवार, आपका मोहल्ला बोले आप बहुत अच्छी हो, वो उसकी बहुत हो बहुत अच्छी आई है, तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए बुज़ुर्ग होते तक अच्छे बने रहो। इसलिए बोलता हूँ पूरा एक साल आपने कुछ नहीं बोलना, फिर वो घर आपका होगा, मेरी गारंटी है, लिख के ले लेना, वो घर आपका होगा, वो ससुराल वाले आपके होंगे, सब आपके पीछे पीछे भागें। लेकिन ऐसा करता कोई नहीं, क्षमता है नहीं। वही बात जो गेहूं की मैंने पहले बताया, गेहूं गर्म गर्म खाते हम, ऐसी निकलती है ऐसी खा लेते हैं। पहले ज़माने में धोते थे उसको, पानी में निकालते थे उसका, निकालते थे फिर उसके बाद धोते थे फिर लेके आते थे पीस कर, लेकिन आजकल कुछ नहीं ऐसा करते। तो गर्मी सब में है, कोई किसी की बात नहीं सुनता, हर कोई बोलता है तुमने ऐसा बोला, ऐसा कैसे बोल दिया, आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, मैं आऊँगी नहीं यहाँ पर, तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। आज का ये छोटी से छोटी बात पे के ऊपर तलाक के और भाग जाते हैं। लेकिन अगर समझदार इंसान होते हैं, उसको पता है शाम तक ठीक हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, वो समझदार इंसान क्या होते हैं, चुप कर जाते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो कहते ना, आप सबको पता ही होगा, जो हमारी अकल जाड़ आती है ना, वो भी 22 साल के बाद ही आती, 25 साल में ही आती है, आप सबको पता ही है। जब 23-24 साल जाने लगता तो अकल जाड़ आती है, कहते दांत एक और नया आ गया, ये कौन सा जात आया, ये अकल जाड़ आई है। यानी कि भगवान अकल देता है 24-25 साल के बाद, उससे पहले पहले ही रेशो, जो जज ने बोला भी रेशो बढ़ रही है, तो उससे पहले पहले तलाक हो जाती है, अकल जाड़ बीच में रहती है। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन हम, मैं सीक्रेट खोलने के लिए आपके सामने आया हूँ। हमारे शो का नाम तभी द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, बहुत खोज कर ली, बहुत पढ़ लिया, इतनी ज्योतिष करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है अभी मैं बहुत अधूरा हूँ, अभी ज्योतिष सीख रहा हूँ, अभी ज्योतिष सीख के आपके बारे में बताना बहुत कुछ बाकी है, वो सीखता रहूँगा, आपके बारे में बताता रहूँगा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि शेफाली जी ने बोला कि तलाक की रेशो क्यों बढ़ती हैं। चलो अब हम ग्रहों के ऊपर आ जाए, क्यों शेफाली जी, रवायत तो नवाद है, एस्ट्रोलॉजी का शो है, एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं की। जी प्रोफेसर साहब, आज टीचर्स डे है तो आपको हैप्पी टीचर्स डे बहुत बहुत। और कहते हैं ना कि जिंदगी जो है, जिंदगी ए जिंदगी, मैं तुझे हैप्पी टीचर्स डे बोलता हूँ, क्योंकि तूने जो मुझे सिखाया है वो जिंदगी में किसी और, कोई और मुझे सिखा ही नहीं सकता। मतलब ज़िंदगी को भी टीचर्स डे बोलना चाहिए, और जितने मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको सत्संग नमन आज के टीचर्स डे के ऊपर। तो प्रोफेसर साहब आपको भी बहुत बहुत सत्संग नमन, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ सिखाया है मुझे, और जो आपने सिखाया वो दुनिया को कोई भी ज्योतिषी नहीं सिखा पाया। तो टीचर्स डे गुरु का दिन है, तो प्रोफेसर साहब, तो गुरु सबसे बड़ा, घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो भी हमारे गुरुजन होते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, कई बार क्या होता है कि हम आते हैं डिवोर्स केसेस के ऊपर, प्रोफेसर कई बार घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि सास बहू की आपस में नहीं बनती, तो इसी के साथ हस्बैंड के साथ भी झगड़ा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आपने अभी बोला कि एक साल अगर हम अपने घर को देते हैं, दूसरे साल आप बैठ के खा सकते हो, ऐसा आपने बोला। लेकिन कुंडली में भी ऐसा कुछ योग होता है ना कि सारी ज़िंदगी अगर आप किसी का चाहे कर लो, लेकिन उस चीज़ का रिगार्ड नहीं मिलता, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, ऐसा भी कुंडली में योग होता है, तभी ऐसा होता है। शेफाली जी, आपने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन उसका जवाब मैं दूंगा। पहले टीचर्स डे के लिए जिन गुरुजन ने मेरे को भी पढ़ाया उनको भी मैं नमन कब बोलता हूँ, और जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनको भी मैं नमन बोलता हूँ, जो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक बात सबको मैं बता दूँ, क्या पता ये एपिसोड टीचर्स डे आ जाए, तो क्या पता, क्योंकि आज 5 तारीख है, तो क्या पता ये कब चले, और हो सकता है कि
तकरीबन दो दिन बाद, पांच दिन बाद, दस दिन बाद निकल सकता जी, है। वन वीक तो लग ही जाता है, वन वीक लग जाता है, चार तारीख पांच है उसके बाद। हमारे साथ ऐसा ही होता है ना, जब कभी त्योहार निकल जाता है तब हमारा एपिसोड आता है, तो समय नहीं होता प्रोफेसर साहब के पास, कोई उनका स्केड्यूल है जो इतना बिजी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाला कीजिए ना आप। देखिए जब भी हम कोई भी एपिसोड करते हैं, जैसे कि जब अच्छा दिन होता है तब करते हैं हम जी। क्योंकि हो सकता है कि भगवान मेरे भीतर बैठ के आपको अच्छी अच्छी बातें बताए, अच्छी अच्छी बातें बोले, और जो मेरे भीतर भगवान बैठा है वही आपको सब कुछ सिखाए जी। लेकिन क्या हो सकता है कि जब एडिटिंग होती है, जाता है, अप्रूवल मेरी मिलती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, एपिसोड्स भी हम तब करते हैं जैसे रक्षाबंधन हो, दशहरा हो, दीपावली हो, या फिर कोई त्यौहार आता है तब करते हैं, तब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता जी। हम तो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, हाँ सबसे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारे हाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, आपको पता है शिफाली जी, हमारी एक साल में एक भी छुट्टी नहीं होती जी, बिल्कुल ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती भी नहीं होती जी। कोई कोई टूर होता है तो मुझे बहाना लगाना पड़ता है, प्रोफेसर आज मैं बीमार हूँ या कुछ है, तो जबरदस्ती लेनी पड़ती है मुझे छुट्टी। छुट्टी तो होती नहीं है हमारी, दीपावली को भी, दशहरे को, कभी भी आपकी तो बिल्कुल नहीं होती ना। अगर आपकी होगी तो ये ऑफिस बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए मेरी छुट्टी तो हो नहीं सकती ना, इसलिए हमारी छुट्टी नहीं होती। तो अब हमने एक वो कर लिया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है नया, कि फ़ौरन जाना का बहाना, क्योंकि 7 दिन के लिए हम शूटिंग पे जा रहे हैं, शूटिंग पे तो जाते जाते वहाँ पे काम करते करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे भी हम एपिसोड ही करते हैं जी। प्रोफेसर आपको बताएं कि लोग कह देते हैं कि इतना बड़ा ऑफिस बना रखा है, इतना बड़ा घर बना रखा है, ये नहीं देखते कि उसके पीछे मेहनत कितनी है। एक साल में 365 दिन है एक साल में, लेकिन उनकी एक भी छुट्टी नहीं है, कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग तो कभी कभार छुट्टी मार लेते हैं, चलो हमारे बिना तो चल जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि आज छुट्टी कर, थोड़ी सी रेस्ट कर लें, थोड़ा सा सो लें। तो प्रोफेसर आप कब सोते हैं, तो आपका तो स्केड्यूल ही इतना बिजी है। 365 दिन में सुबह 4 बजे उठना और रात को 9:30 सोना, 9:30 बजे सोना, 6 घंटे की नींद है मेरी सिर्फ, 6 घंटे के, 9:30 बजे बच्चे जाते हैं मेरे कमरे से, और जब तैयारी व्यारी करते 9:45 बज जाते हैं जी। और सुबह 6 बजे 4 बजे उठना होता है, 4:15, 6 घंटे की नींद है सिर्फ। और कल परसों की बात है, कुछ बच्चे बोल रहे थे, कहते थे कम से कम नींद 8 घंटे की तो लेनी चाहिए जी। मैंने कहा जिंदगी भर सोना ही है बस, कोई बात नहीं, काम कर ले, ये उम्र है अभी काम करने की। कहते उम्र निकल गई, मैंने कहा नहीं निकली अभी है क्योंकि मेरी सोच ये है कि जब तक बंदा काम करता है तब तक यंग है, जब वो रिटायरमेंट ले लेता है, जैसे कि एक मेरे पास कल इंसान आए, बहुत अच्छे इंसान थे, बठिंडा के मेरा टूर था कल, और बठिंडा में आए, वो बोलते थे प्रोफेसर साहब मैं तो अब सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, मुझे सरकार ने सीनियर सिटीजन का ओहदा दे दिया 60 इयर्स के बाद। मैंने कहा अभी तो आप यंग है यार, सीनियर सिटीजन कहाँ लगते हैं। कहता लगता नहीं हूँ, पर सरकार ने मुझे दे दिया सीनियर सिटीजन का ओहदा, तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ। देखिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं मजाकिया, कितने अच्छे लगते हैं, कितना बचपना है उनमें, वो लगते नहीं थे मुझे, ऐसा लगता था 40-42 साल के हों। देखिए कुछ बातें ऐसी रह जाती जो दिल को छू लेते हैं कुछ लोग। अभी तभी मैं आप सबको बोलता हूँ अपना बचपना मत खोइए। बट जब भी मेरे को बोलने लगते हैं अरे प्रोफेसर साहब आप रिटायरमेंट कब लोगे, मैंने कहा पहले मैंने सब एपिसोड में बोला हुआ जी, मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, आपने मेरे मुंह की बात छीनी, मैंने 50 साल के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, मैं नहीं काम करूँगा कहीं, मैं बस भोले शंकर को बहुत मानता हूँ, कहीं हिमालय पर्वत जाके वहाँ पर अच्छा सा आश्रम बना के ना वहाँ पर बैठ जाऊँगा और अपना योगा वोगा किया करूँगा और भक्ति वक्ति करूँगा। अब मुझे ऐसा लगता है जब कुछ इतना सब कुछ सीखने के बाद अगर मैं लोगों को दे के कुछ नहीं गया, अगर मैं लोगों को सिखा के नहीं गया, अगर मैं लोगों को ठीक करके नहीं गया, तो क्या फ़ायदा मेरा हिमालय पर जाने का, क्या फ़ायदा मेरा वहाँ मकान लेकर रहने का। तो बोलिए ना प्रोफेसर कितनी देर तक काम करेंगे आपने पिछले बहुत पुराने आपके एपिसोड्स हैं, आपने उसने बोला हुआ है मैंने 50 साल तक काम करना है, तब आपकी एज कितनी थी और अब आपकी एज कितनी है? जब मैंने बोला था तब मेरी एज तकरीबन 30-32 साल की हो गई। कहते हैं ना मतलब आपको लगता था 20 सालों बाद मैं ओल्ड हो जाऊँगा लगता था मुझे, हुए नहीं सही बात है, तब मुझे ऐसा लगता था 20 साल बंदा काम कर ले बहुत है, ज़िंदगी में सब कुछ हो सका, सारी ज़िंदगी काम किया है, बस रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको सबको ये बता दूं, जो इंसान घर में बैठ जाते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं जी, उसकी सोच भी बूढ़ी हो जाती जी, बिल्कुल। वो इंसान क्या करते हैं क्योंकि बाहर नहीं निकलते, नए लोगों से नहीं मिलते। देखिए आप मेरे पास जब कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, जब कहते हैं मैं प्लस टू में पढ़ता हूँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ, उसकी सोच, उसकी नेचर, उसकी बातें अलग। जब मेरे पास कोई 90 साल का बुज़ुर्ग आता है और उसको मैं आशीर्वाद लेता हूँ, उसकी सोच, उसकी नेचर, उसका स्वभाव अलग।
जब मेरे पास 40-50 साल के बंदे आते हैं तो उसकी सोच अलग, देखिए अलग अलग लोगों से मिलता हूँ तो अलग अलग मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं। जब घर में होऊंगा, टीवी देख लिया, कुछ अनसुनाप देख लिया, तो वो फिर बात नहीं रहती, ज्ञान भी चला जाता है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे कि इंसान को पूरी ज़िंदगी काम करना चाहिए जब तक हाथ पैर चलते हैं, ये मेरी सोच है। तब मैंने बोला ना कि मैं पहले किताब लिख रहा था, तब मेरी सोच कुछ और थी। जब मैंने किताब लिख ली, मैंने सोचा मैं यार ये लिखा है छोड़ो यार, मैं नहीं पब्लिश करूँगा। जी प्रोफेसर, अभी आपने बोला कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक इंसान को काम करते रहना चाहिए। तो प्रोफेसर, मेरी दादी जो थी वो 97 की होकर गई हैं, लेकिन उनके हाथ पैर सब कुछ चलते थे। आप ये देखो कि बिल्कुल तंदुरुस्त होकर गई हैं। जो इंसान मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि आप योगा करते हैं, तो आप भी प्रोफेसर कम से कम 120 साल की उम्र होके जाओगे। जी कुंडली, हमारी कुंडली तो 120 साल तक बनती है ना। कुंडली 120 साल तक बनती है। तो हम लोग एक इंसान की जो जीवन सीमा तय कर देते हैं कि 120 साल उसकी एज है, लेकिन फिर भी इंसान जो है 50 साल या 60 साल की जिंदगी चला जाता है। चलो बहुत अच्छी डिस्कस रही शिवाली जी हमारी, लेकिन अब हम बात करते हैं वही टॉपिक के ऊपर, डिवोर्स केस कैसे होते हैं, रवायत निभा लें। जो हमारी बात बीच में रह गई थी एस्ट्रोलॉजी की, पीछे से इशारा आना शुरू हो गया, 5-7 मिनट रह गए, भाई एस्ट्रोलॉजी की बात कर लो, अपनी बातें नहीं खत्म होती। सुनो बहुत ध्यान से, जो सप्तम हाउस में अगर कहीं राहु आ जाए, सप्तम हाउस में अगर कहीं मंगल आ जाए, सप्तम हाउस में शनिदेव आ जाए, लेकिन कौन कौन सी राशि के कौन कौन से नक्षत्र के वो अलग बात है। अगर कहीं सूर्य आ जाए, सप्तम हाउस में अकेला चंद्र भी बैठ जाए, सप्तम हाउस में अकेला गुरु आ जाए, तो डिवोर्स करवा देता है। बहुत ध्यान से सुनिए, अलग अलग राशि का प्रभाव और नक्षत्र का प्रभाव अलग सा है, वो बाद की बात है। लग्न में मंगल आ जाए, लग्न में सूर्य आ जाए, तो भी डिवोर्स हो जाता है। अष्टम में भी मंगल आ जाए, अष्टम में भी कहीं शनिदेव आ जाए, तो भी अगर 12वें घर में ये 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल बुध और 3-4 ग्रह बुरे ग्रह आ जाए, शनि आ जाए 12वें घर में, तो भी डिवोर्स हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको सबको समझाता हूँ। लग्न यानी कि हमारी नेचर, सप्तम वाइफ की नेचर, अष्टम हमारा यानी कि रिलेशन, और जो 12वां हाउस होता है वो होता है हमारे सहन सुख का, मियां बीबी के सुख का। रात को सो नहीं पाते, लड़ाई झगड़े से निकलते हैं, तो क्या होता, तो भी डिवोर्स हो जाता है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अगर ये घर ख़राब है तो डिवोर्स होता है, ये इन घरों को देख लेना चाहिए, इन घरों को देख के। लेकिन कई दफ़ा तो ये देखना चाहिए दूसरा घर भी, दूसरा घर परिवार का, आगे परिवार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चौथा घर हमें इससे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पंचम घर इससे औलाद होगी या नहीं होगी। देखिए बहुत से ऐसे घर हैं, लेकिन सप्तम हाउस को मैं सबसे पहले पहल देता हूँ, सप्तम हाउस को पहले ज़रूर देखना चाहिए, ताकि डिवोर्स के रेशो, सप्तम हाउस अगर अच्छा है, उसके ग्रह अच्छे हैं, अच्छी उस प्लेसमेंट पर बैठा हुआ है, तो कभी डिवोर्स नहीं होगा। ये मैंने फास्ट फास्ट बताया, कुछ ज्योतिषी मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उनको होता है आप मतलब की बात कीजिए, आप मतलब की बात नहीं करते, बातें करते हो। अरे भाई मैं ये प्रोग्राम बनाता हूँ सिर्फ अपने लोगों के लिए जिनको ज्योतिष नहीं आती, तो आप मतलब की बातें किताबों में ढूंढ लीजिए, फिर किताबें तो बहुत ज़्यादा हैं, किताबों में ढूंढिए आप जो भी ऐसे कमेंट वगैरह लिखते हैं, थोड़ा सा दूर रहिए कमेंट बॉक्स से, और एपिसोड मत देखें मेरा, क्योंकि जिनको लगता है कि ये मतलब की बात नहीं करते, मैं तो सिर्फ अपने भोले भाले लोग जो ज्योतिष नहीं जानते, जो ज्योतिष को जिनको मैंने ज्योतिष सिखानी है उनके लिए एपिसोड करता हूँ। लेकिन मेरी बातें ऐसी होती हैं कि मेरी जो बात कही गई किसी किताब में नहीं मिलती, और मेरा एक्सपीरियंस होता है 25 साल का ज्योतिष में जो मैंने सीखा, वो मैं आपको फ्री में बैठ के बताता हूँ, ना कि किसी किताब में नहीं मिलता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिससे मैं ज्योतिष सीखता था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठता था, पानी ढोता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, शाम को जाते समय पता क्या बोलता था, ओहो तू, तेरे को एक चीज़ बतानी थी, लिख। चंद्रमा अगर लगन में हो तो आई साइड वीक होती है, मैं तब भी खुश हो जाता था, शुक्र है भगवान का मुझे एक चीज़ मिल गई, चंद्रमा लगन में हो तो आई साइड वीक होती है, कौन सी लगन में कौन से नक्षत्र में वो मैं कल पूछ लूँगा। देखिए हम फिर भी खुश होते थे। आपको फ्री बैठ के इतना सब कुछ बताता हूँ मैं, जितना कि किताबों में नहीं मिलता, अपना एक्सपीरियंस, फिर भी आप बोलते हो कि कुछ मतलब की बात नहीं करते, ये मेरे लोगों के भोले भाले लोगों के लिए है जो मैं एपिसोड करता हूँ, और बहुत से ऐसे कहानियाँ गाथाएँ सुनाता हूँ जिससे कि उनकी ज़िंदगी सवर जाए अगर वो फॉलो करते हैं, तो बहुत सी बातें आपको बताता रहूँगा। लेकिन सप्तम हाउस अगर आपका पीड़ित है तो डिवोर्स की रेशो आपकी बढ़ती है। जब भी कभी मिलान करना है कुंडली का, मैं तो सबको यही बोलता हूँ, अगर आपको लड़का पसंद है तो पसंद करके आ जाइए, लड़की पसंद है तो पसंद करके आ जाइए, सप्तम हाउस पीड़ित भी है तो। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, जब भी कभी उपाय का असर होता है 100%,
या तो शादी के वक्त या अगर बच्चा पैदा होता है तब। तो शादी तो होने वाली थी, तो मैं बोलता कोई दिक्कत नहीं, सप्तम हाउस पीड़ित है, सप्तम हाउस पीड़ित का ये उपाय बनता है, आपने क्या करना है लॉन्ग फेले के वक्त ये उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपकी शादी कितनी अच्छी होती है। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, डरना मत। अगर आपने रिश्ता तय कर लिया है तो भी आ जाइए, आपके छोटे से उपाय से आपके बच्चे की ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है। लेकिन अगर आपने शादी नहीं की, अगर आपने मिलान नहीं किया, तो मिलान कर लीजिए ताकि आपकी शादी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाए, जो डिवोर्स की रेशो है वो ख़त्म हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा तो दिया, लेकिन कोई उपाय नहीं दिया, कोई जनरल रेमेडी ही हो जाए कि जाते जाते लोगों की जो इतनी रेशो बढ़ चुकी है डिवोर्स की वो कम हो जाए। बहुत आसान उपाय, जो लड़का है अगर वो दही से मलकर अपने पार्ट गुप्त पार्ट को दही से मलकर नहाता है तो डिवोर्स नहीं होता, अगर लड़की है तो हल्दी से मलकर नहाती है तो डिवोर्स नहीं होता। गुरुवार को हल्दी से मलना है, शुक्रवार को दही से मलना है। जिस लड़के की शादी नहीं होती वो दही से मलकर नहाए, जिस लड़की की शादी नहीं होती वो हल्दी से मलकर नहाए, तो डिवोर्स नहीं होता, शादी हो जाती है। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छे ढंग से आपने बता दिया कि डिवोर्स की रेशो क्यों ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारे अंदर ही सहनशीलता की कमी है, हमारे अंदर ही पेशेंस की कमी है। तो कुछ ग्रह भी जो है वर्क करते हैं, लेकिन उनका भी हल किया जा सकता है। इतने ईजी वे से हल हो जाएगा, इतने साधारण तरीके से हल हो जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल था कि एक ज्योतिषी के लिए भी, मतलब प्रोफेसर साहब इतनी रिसर्च करते हैं तो आपको इतनी छोटी छोटी रेमेडीज देते हैं जिसमें आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होता, घर में ही वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ऐसी रेमेडीज कोई ज्योतिषी देता है? ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा कि ज्योतिषी अगर रेमेडीज ना दें, मतलब 28 दिन ऐसे कर लो लगातार, 47 दिन ऐसे कर लो तो जाके उपाय जो है करवाते हैं, ऐसा प्रोफेसर बिल्कुल भी नहीं करवाते, बिल्कुल एक छोटा सा उपाय देते हैं और आपकी ज़िंदगी है वो जो है वो संवर जाती है। तो अगर आप भी प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं मिस कर जाएँ तो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।